नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देखें इंडियन स्टार डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि लगभग 20 घंटे पहले जहां पर पुलिस मुलजिम को लेकर के कोर्ट गई थी, वहां पर मुलजिम ने पुलिस को धता बताकर फरार हो गया। लखीमपुर खीरी जिला कारागार में कैदी जो है वो बंद था, जहां पर पुलिस जो है एडीजे फर्स्ट के वहां उसको पेशी के लिए ले गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो कैदी है वो वहां पर पानी पीने के बहाने धता बताकर पुलिस को वहां से फरार हो गया। लेकिन अब सवाल यह उठते हैं कि जब पुलिस की निगरानी में वह कैदी था तो किस तरीके से फरार हो गया, पुलिस वहाँ पर क्या पुलिस की नज़र नहीं थी, आखिर पुलिस की नज़र थी तो किस तरीके से कैदी जो है वो फरार हुआ, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो कैदी को जब से फरार हुआ उसको पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, जिसके कैदी को पकड़ने के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो लगातार कैदी की तलाश में है, लेकिन वो अभी भी फरार है। लगभग 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक जो फरार कैदी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इतनी कड़ी सुरक्षा में कैदी वो था तो कैसे भाग गया, पुलिस को धता बता दिया। लेकिन पुलिस की जो अलग अलग टीमें लगी हैं वो अभी तक जो कैदी है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी हैं। यह जो कैदी है यह पिहानी हरदोई का रहने वाला है, इस पर कई आपराधिक मुकदमे जो पहले से दर्ज हैं, उसी मुकदमे में ये जिला कारागार लखीमपुर खीरी में बंद था। पुलिस जो है कैदी को लेकर एडीजे फर्स्ट के वहां कल पहुंची, लेकिन कैदी जो है वो पुलिस को धता बताकर वहां से दीवार को फांद कर फरार हो गया। लगभग 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन कैदी अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन जो अलग अलग टीमें लगी हैं वो दावा करने की जल्द ही जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो जो कैदी है वो बाहर है।